हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका MSCMS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन विस्कोसिस फ्लूइड डायनामिक्स के यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं और इसमें आज अपनी पांचवी क्लास होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वी फोकस्ड ऑन इन दिस क्लास एंड आज अपन बात करेंगे हैमिज फॉलो के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सो लिख रखा है कि डिस्कस द हैमिज फॉलो फॉर ए विस्कोसिस कंपेरिजेबल फ्लूड विद सैगनेशन पॉइंट। ये जो सवाल है आपसे, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है जहां पर मैंने इसको लिखा है, या फिर आपसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि ड्राइव एंड डिस्कस द हैमिज फॉलो, या फिर ये सवाल आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ड्राइव एंड डिस्कस द हैमिज फॉलो फॉर टू डायमेंशनल। ओके गाइज, सो गाइज, ये क्लास आपसे कुछ इस तरीके से पूछी जा सकती है। ओके, एक ही क्वेश्चन के तीन चार टाइप मैंने आपको बता दी, मतलब सवाल पूछने के टाइप्स मैंने आपको बता दिए। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सारी क्लासों को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा लगता है अगर आपको ये लगता है कि हाँ, इन क्लासों से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, अपने अच्छे मार्क्स जो एग्जाम में कैरी कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसके बाद आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, बाकी सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, थैंक यू सो मच, है ना। और अभी तक जिन भी बंदों ने या फिर एनीवन स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया। एंड इसको स्टार्ट करते हैं ना। इसको स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बताऊंगा यहाँ पे कि ये हैमिज फॉलो जो है, ओके, ये एग्जाम में हर बार कभी ना कभी रिपीट होती है। मैं आपको लास्ट के 6 से 7 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है अपने से 2013 में पूछी गई थी, उसके बाद 17 में पूछी गई, सॉरी 15 में पूछी गई, मतलब 15 में भी पूछी गई, उसके बाद 17 में पूछी गई, ओके, लेकिन 19 में नहीं पूछी गई। तो इसके चांस बनते हैं आपके 2020 में, यानी कि हाल फिलहाल में जो एग्जाम आपका होने वाला है मार्च फरवरी में, उसमें इस क्वेश्चंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। ओके, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर दिया इसको, मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती है। तरीका मैंने आपको बता दिया, चार टाइप से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, अपन करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सैगनेशन पॉइंट। अब ये सैगनेशन पॉइंट होता क्या है, तो गाइस इसको समझने के लिए अपन करते हैं डायग्राम रो। ये देखिए मैंने क्या किया, ये डायरेक्शन ली ये, ओके, तो अपना सैगनेशन पॉइंट जो है वो ये होगा। ओके, ये देखिए, ये इसकी एक्स डायरेक्शन होती है इस साइड, ये इसकी वाई डायरेक्शन होती है। ओके, ये जो यहाँ पे जो पॉइंट बना है ये वाला, इसी को अपन बोलते हैं सैगनेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, सैगनेशन पॉइंट। बस सैगनेशन पॉइंट कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं था, इसी को सैगनेशन पॉइंट बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है गाइस, चाहे आप एक्स डायरेक्शन में जाओ चाहे वाई डायरेक्शन में जाओ, यहाँ पे सैगनेशन पॉइंट क्या होगा, एलवेज जीरो ही रहने वाला है, क्योंकि ये बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे चाहे एक्स डायरेक्शन में जाओ चाहे वाई डायरेक्शन में जाओ, जब आप एक्स डायरेक्शन के लिए जाते हैं तब भी सैगनेशन पॉइंट जीरो रहेगा, ठीक है, उस टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी यू है वो क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन जब आप वाई डायरेक्शन में जाते हो तब भी सैगनेशन पॉइंट क्या होगा, जीरो। तो उस कंडीशन में इसका वी जो है वो क्या होगा, वेलोसिटी जीरो ही होने वाली है। यहाँ पे ये यू है और यहाँ पे ये वी है, इस चीज को ध्यान में रखना। ओके, बस यही सैगनेशन पॉइंट है। अब देखिए हमारे जो फॉलो है वो किस तरीके से हो सकते हैं, वही वाई डायरेक्शन से आप इस डायरेक्शन में आओगे, या फिर समझ रहे हो, ये डायग्राम आप दूसरे तरीके से भी रो कर सकते हो, है ना। मैं करके बता दूंगा आपको किस तरीके से आप इसको रो कर सकते हो, क्योंकि जनरली होता क्या है कि अगर आप जैसे ओल्ड ईयर पेपर सेट उठाओगे वहां से आपको ये डायग्राम कुछ और तरीके से भी मिल सकता है, लेकिन अपन ने यहाँ पे बुक से इसको प्रीफर किया, जो अपनी बुक्स एम एस सी की वहां से, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी रो कर सकते हैं, जैसे ये अपना सैगनेशन पॉइंट हो गया यहाँ पे, ओके, इस सैगनेशन पॉइंट के ऊपर एक्स इक्वल टू जीरो तब यू इक्वल टू जीरो, और वाई इक्वल टू जीरो तब वी इक्वल टू बी जीरो, ये अपनी एक्स डायरेक्शन है और यहाँ पे ये अपनी वाई डायरेक्शन है। तो आप इसको इस तरीके से भी रो कर सकते हो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जरूर आपको दिखा देना है पॉइंट, आप इनको दोनों तरीकों से इस डायग्राम को जो है वो रो कर सकते हैं, ओके, लेकिन ध्यान रहे डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि आपको सैगनेशन पॉइंट की तरफ बढ़ना है, ऊपर से सैगनेशन पॉइंट की तरफ बढ़ना, ये सैगनेशन पॉइंट अपना है ना, इसकी साइड बढ़ोगे तो अगर इस साइड से आएंगे तो कुछ आएंगे फिर इस साइड निकल जाएंगे, कुछ इस साइड आएंगे तो इस साइड निकल जाएंगे, है ना, दोनों साइडों से जो क्रम अपना चलता रहता है। तो आप देख लेना इन दोनों में से आप कोई भी एक डायग्राम अपने हिसाब से समझने के लिए ऐसे रखिए, बाकी एग्जाम में तो आपको अगर आप बता देते हैं, क्योंकि सैगनेशन पॉइंट की बात हो रही है तो एग्जामिनर इतनी तो इच्छा रखता है कि भाई सैगनेशन पॉइंट के बारे में बता होना चाहिए ना, बाकी एमएससी के स्टूडेंट हैं तो पता ही होगा सैगनेशन पॉइंट के बारे में, बट फिर भी ओके। अब देखिए गाइज, ये जो सैगनेशन पॉइंट है ना, इसकी वेलोसिटी ऑलवेज जीरो होगी, ये तो आपको पता होगा, ओके। साथ में मैं क्या बताऊँ आपको कि इस सैगनेशन पॉइंट के आसपास जो भी हमारा क्षेत्र होगा, ओके, उसके ऊपर हमारी डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम
नहीं हो सकती भाई। यहाँ पर ये जो इसकी डिस्टेंस है, ये तो जितना इसके पास होगा वो क्या होगा, कम होगी इसकी डिस्टेंस। ये वाला दूर है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, दूर होगी, है ना। तो सिग्नेशन पॉइंट के जो आसपास का एरिया, वहाँ पे जो वेलोसिटी वो क्या होगी, जीरो के बराबर ही मान के चल रखना आपको इसको, है ना। और फिर धीरे 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 जैसे दूर जाते जाएंगे, और यहाँ पर इस साइड पर दूर जाते जाएंगे, तो ये क्या होगी, सिग्नेशन पॉइंट जो वो बढ़ती जाएगी। ओके, अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जो सिग्नेशन पॉइंट है ना, वो एक्स और वाई जो है वो जीरो होंगे। एक्स और वाई जीरो कब होंगे, जब इसकी जो वेलोसिटी यानी इसके ऊपर जो प्रेशर जो है वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा ना, उस कंडीशन पर ये चीज़ें होने वाली हैं। अब मैंने जो आपको बोला है अभी अभी, सिग्नेशन पॉइंट क्या होता है, ये इसकी लार्जेस्ट कैपेसिटी क्या हो सकती है, एक्स और वाई जीरो क्यों है ना, ये चीज़ें अभी आपको लिख करके बतानी है एग्जामिनर को। ओके, तो मैं कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे पॉज देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको लिख के बताता हूँ। ओके, देखिए। सो गाइज, अभी जो मैंने आपको बोल के बताया था, मतलब सेग्नेशन पॉइंट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, लिख दिया है। अब प्लीज़ आप कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना, और उसके बाद इन चीज़ों को लिख लेना नोट्स बनाते टाइम भी। ओके, बाकी मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। सेग्नेशन पॉइंट क्या होता है, सेग्नेशन पॉइंट वी मीन दैट द पॉइंट विल बी द वेलोसिटी इन जीरो इन पोटेंशियल फॉलो एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलो ऑफ इनकम्पेरिजेबल फ्लूड इन द नाइबरहुड। नाइबरहुड का मतलब इस पॉइंट जो अपना जो सेग्नेशन पॉइंट था ना, इसके आसपास। ओके, मतलब पड़ोसी कहने का मतलब। तो यहाँ पर एक चीज़ और फोकस करना, ये जो NVD है ना, NVD मतलब है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नाइबरहुड है। ओके, इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म है NVD। अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि NVD सेग्नेशन पॉइंट, जैसे ये सवाल जो है ना कुछ इस तरीके से भी बन सकता है कि कंपेरिजेबल फ्लूड विद नाइबरहुड सेग्नेशन पॉइंट या NVD सेग्नेशन पॉइंट। ओके, ये यहाँ पे एक दो वर्ड मिलेगा, यहाँ पे इस चीज़ को आपको फोकस करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे NVD जो है वो डिनोट किया है इसको, नाइबरहुड को। ऑफ सेग्नेशन पॉइंट एट द लार्ज डिस्टेंस, मतलब इसके आसपास क्या होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो उसी के आसपास होगी। ओके, लेट वी कंसिडर वेलोसिटी एंड प्रेशर इन द NVD ऑफ सेग्नेशन पॉइंट इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है और प्रेशर जो वो क्या होंगे, कॉन्स्टेंट सॉरी जीरो होंगे इस सेग्नेशन पॉइंट के ऊपर। ओके, सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपन असली गेम। ओके, अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है टू डायमेंशन फॉलो के लिए। वैसे तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको कंप्लीट ही पता होगी, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा सिर्फ टू डायमेंशन फॉलो के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की ही बात हो रही है। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, बाय टू डायमेंशन फॉलो, टू डायमेंशनल, ठीक है। ये कभी कभी आपको 2D भी देखने को मिल सकता है, टू डायमेंशनल। डी का मतलब क्या है, डायमेंशनल, यानी कि 2D फॉलो। तो क्या होती है, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, ये होती है टू डायमेंशनल फॉलो के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया को इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट गाइड, अगर रो यानी कि कॉन्स्टेंट हो, ये क्या है, रो डेंसिटी, अगर डेंसिटी क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, वेन डेंसिटी विल बी कॉन्स्टेंट, यानी कि कॉन्स्टेंट, अगर रो जो वो क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई, बिल्कुल यही होने वाला, यहाँ पे अपने को ये मान मिलेगा इसका। नाउ लेट वी कंसिडर, लेट वी एज्यूम दैट, मान लो या फिर कंसिडर कर लो। ओके, क्या कंसिडर करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर स्मॉल ए एंड डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर माइनस स्मॉल ए, ये आपको कंसिडर करना है ए की वैल्यू के लिए। तो यहां से डेल यू बराबर क्या आएगा, ए डेल एक्स, और यहां से डेल वी बराबर क्या आएगा, माइनस ए डेल वाई। ओके, अब अपन इसका क्या करेंगे, अवकलन। ओके, जब अपन इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अवकलन करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी u बराबर ए एक्स और v बराबर माइनस ए वाई। ओके, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड, मतलब ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये दोनों, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड है दोनों के दोनों, इसको इस तरीके से डिनोट करना है। अब गाइस यहाँ पे बात होगी वेलोसिटी की, अपन ने, है ना, यहाँ पे यू और ये जो वी है ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी है तो इनकी जो आउटर विस्कोसिटी होगी,
एक चीज फोकस करना, वेलोसिटी अलग चीज होती है, विस्कोसिटी अलग चीज होती है। जैसे ही विस्कोसिटी की बात होगी, बर्नौली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, विस्कोसिटी की बात हो रही है। सो नाउ यूजिंग फॉर बर्नौली इक्वेशन, अब बर्नौली की LYI कर देते हैं यहाँ पे, है ना, बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होगी अपनी, पी अपॉन रो प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सी, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये जो अपन ने वैल्यूज काम में लिए इनको क्या क्या बोलते हैं। पी काम में लिया, क्यू काम में लिया, रो काम में लिया और सी काम में लिया। अब जनरली सी के बारे में सभी जानते हैं कॉन्स्टेंट होता है, पी क्या होता है प्रेशर, क्यू क्या होती है वेलोसिटी, ठीक है, और रो क्या होती है डेंसिटी, कनेक्टिव जिसे अपन बोलते हैं, है ना। तो यहां पे अपने जो जो फर्क काम में लिए हैं वो मैंने आपको यहां पे बता दिए वेयर, ठीक है। अब देखिए, जब सेग्रेशन पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी उस टाइम पर डेंसिटी भी क्या होगी जीरो होगी एट द स्टेग्नेशन पॉइंट। हमारा जो स्टेग्नेशन पॉइंट है उसकी वेलोसिटी यानी कि वी जो वो जीरो होगी उस टाइम क्या होगा क्यू यानी डेंसिटी है वो भी क्या होगी जीरो होगी। जैसे जीरो होगी तो क्यू का मान क्या होता है यू आयोटा, इसके ऊपर कैप लगाना जरूर, प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। अब यहाँ पे कैप क्यों लग रहा है डायरेक्शन को शो करने के लिए, ओके। और उस कंडीशन में हमारा जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा पी नोट हो जाएगा, मतलब एक हमारा जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा इस कंडीशन तक बढ़ेगा, प्रेशर पी कुछ कंडीशन तक बढ़ेगा, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया पी नोट तक जा सकता है। पी नोट की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, वी की वैल्यू, ये तीनों अपने क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करेंगे, ठीक है। वी इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू जीरो, पी इक्वल टू पी नोट, पुट इन इक्वेशन 4, देन वी गेट, क्या गेट होगा भाई, पी की वैल्यू पी नोट, ये लीजिए पी नोट, रो रो प्लस क्यू की वैल्यू जीरो इक्वल टू सी, वी की वैल्यू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो और पी इक्वल टू पी नोट, इक्वेशन नंबर 4 में रखा हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ सी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास पी नोट अपॉन रो, ओके। ये जो माना है सी की वैल्यू, अब ये जो सी की वैल्यू है ये अपने इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, रख देते हैं चलो भाई इक्वेशन नंबर 4 में, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ सी, वी ए एल यू, वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4 एंड गेट, एंड गेट क्या क्या गेट होगा भाई, एक चीज को ध्यान में रखना, पी अपॉन रो प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू इक्वल टू पी नोट अपॉन रो, सी की वैल्यू रखी है हमने, सॉरी दिखानी उसके लिए रख दिया मान। अब क्या करेंगे, ये जो क्यू है ना ये जीरो था भैया, वेलोसिटी, जब वेलोसिटी जीरो होगी तब हमारी जो डेंसिटी वो भी क्या होगी जीरो होगी। तो जब जीरो होगी उस कंडीशन में हमारे पास यू की वैल्यू क्या थी, मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे यू की वैल्यू है। अब ये तो है थ्री डायरेक्शन के लिए, यानी ये थ्री डायमेंशनल है तीनों डायरेक्शन के लिए, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के लिए, लेकिन हम यहाँ पे बात करें सिर्फ टू डायमेंशन के लिए। तो यहाँ पे टू डायमेंशनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ यानी यहाँ पर ये जो क्यू मैंने यूज में लिया है ये वाला, यहाँ पर मैं इस क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। पी अपॉन रो प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू पी नोट अपॉन रो, सिंपल है, ओके। अब क्या करना है, इस वाली कंडीशन को इस साइड ले आएंगे, पी अपॉन रो ये माइनस का पी नोट अपॉन रो प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो, राइट है। यहाँ से रो एल को एलसीएम, रो एलसीएम तो यहाँ से पी माइनस पी नोट प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो, ओके। अब देखिए यू और वी कुछ दिख रहा है, यू और वी याद आ रहा है, याद करो, याद करते हैं,
यू और वी की हमने कुछ वैल्यू निकाली थी, है ना। तो यहाँ पे अपन यहाँ यू और वी की वैल्यू पुट करेंगे। दिखा देता हूँ आपको यू और वी की वैल्यू, यहाँ पे ये यू की वैल्यू, ये वी की वैल्यू है। ये अपन यहाँ क्या करेंगे, इस कंडीशन में पुट कर देंगे, सिंपल सा काम करते हैं। ओके, ये देखिए, पी माइनस पी नॉट अपॉन रो प्लस वी की वैल्यू क्या रखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए वाई स्क्वायर वी की वैल्यू बाई टू इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पे बता देना पुट यू एंड वी वैल्यू, ठीक है भाई। इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ से अपने पास ये माना है। अब यहाँ पे क्या करें भाई, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो पी माइनस पी नॉट अपॉन रो प्लस, देखिए इसकी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, लेकिन ये जब इसकी स्क्वायर होगा माइनस की तो ये प्लस बन जाएगा, तो वापस प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो। अब यार बच्चों की तरह बता रहा हूँ, है ना। अब क्या करना है, ए को कॉमन ले लेना, है ना। पी माइनस पी नॉट अपॉन रो प्लस ए स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो। इससे इजी यार, और क्या बताएं अब आपको, है ना। इसको मैंने कोई नाम दे दिया, क्या नाम दें, इक्वेशन कहाँ तक हो गई थी अपनी, इक्वेशन फाइव नाम दे दिया इसको मैंने, ठीक है। चार तक अपनी इक्वेशन फाइव नाम दे दिया। अब देखिए गाइस, इक्वेशन फाइव आ गई, हमारी जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, ठीक है, वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो उसमें विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्लूड होगी। जैसे इसकी विस्कोसिटी जो इंक्लूड होगी, है ना, लेट द वेलोसिटी कंपोनेंट इंक्लूडिंग विस्कोसिटी, जब हमारी वेलोसिटी कंपाउंड के साथ विस्कोसिटी इंक्लूड होगी, उस टाइम पर हमारा जो वी है वो क्या होगा, माइनस एफ वाई स्मॉल वाई होगा। उस टाइम पर हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी, देन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी भाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। बट वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ वाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। ये जो वी था ना, ये वाला वी, इसकी वैल्यू रखी है, बस सिंपल सा काम किया है। ओके, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, जिससे हमें मतलब इसका मान निकाल सकें। ओके, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस एफ वाई इक्वल टू जीरो, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एफ डैश वाई। अवकलन कर दिया मैंने, सॉरी, डेल एफ वाई के सापेक्ष से अवकलन करूंगा तो क्या आएगा, एफ डैश वाई आ जाएगा यहाँ से, बिल्कुल। और यहाँ से मेरे पास डेल यू इक्वल टू एफ डैश वाई इंटू डी एक्स, इस अक्स को इस साइड भेजा और कुछ खास नहीं किया। ओके, अब अपन इसका क्या करेंगे, फिर अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से यू बराबर क्या आएगा, एफ डैश वाई, अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये एक्स, ठीक है। अगर वाई के सापेक्ष करते तो इसका भी हो जाता है, तो भाई फिर यहाँ पे डबल डैश हो जाता है ना, सिर्फ एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। नाउ द वेलोसिटी कंपोजिट इंक्लूड विस्कोसिटी, तो इस कंडीशन में हमारी जो विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी भाई, यहां से यू की वैल्यू ये आ गई। नाउ द वेलोसिटी कंपाउंड इंक्लूडिंग विस्कोसिटी ऑफ, विस्कोसिटी ऑफ माना था हमने, क्या माना था, यहां से यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एफ डैश वाई इंटू एक्स आ रही है, और वी हमने क्या माना था, माइनस एफ डैश वाई। तो इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर सिक्स। ओके, एट द प्रेशर बी गिवन एज, अब देखिए यू की वैल्यू और वी की वैल्यू निकाली हमने, कुछ खास तो नहीं किया ना इसमें, सिंपल सा वही किया था। अब हमने एक इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन नंबर फाइव ली थी, नहीं थी, है ना। तो इस टाइम पर हमारा जो प्रेशर है वो हमें क्या गिवन कर रहा होगा, जब हमारे पास वाई की वैल्यू होगी। ओके, तो इस कंडीशन में
माइनस पी नोट अपॉन रो प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई अपॉन टू इक्वल टू जीरो। इसको मैंने नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वेयर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वाई। ओके, ट्रेसर जब गिवन हो हमें उस कंडीशन में। इक्वेशन नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे, इक्वेशन नंबर 5 है, इसमें हमने y की वैल्यू ही है, y की वैल्यू जो है वो क्या करी है, पुट करी है। ओके, अब देखिए गाइज, जैसे हमने स्टोक्स की फर्स्ट प्रॉब्लम में पहले किया था, क्या क्या था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी काम मिली थी, वहां से हमें कुछ मान मिला। फिर हमने क्या लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन काम मिला, वहां से हमें कुछ मान लिया, मान मिला, और फिर उसको हमने सोल्व किया। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो काम में ले ली, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, नाउ वी यूजिंग फॉर मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहां पर अपन टू डायमेंशन के लिए काम में लेंगे, मतलब यहां पे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की बात हो रही है, तो यहां पर भी सेम वही कंडीशन। ओके, तो यहां पे सबसे पहले मैं एक्स डायरेक्शन में लिख रहा हूं, मोशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए क्या होगी, रो डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल वी अपॉन, माफ कीजिएगा, यू। एक्स डायरेक्शन की बात करें तो सिर्फ यू प्लस डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू रो एफ एक्स, ये कैपिटल एक्स है, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस म्यू इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर 8। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बात करते हैं और वाई डायरेक्शन के लिए क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में क्या होगी भाई, रो डेल वी अपॉन डेल टी प्लस यू डेल वी। अब देख लो वी आ रहा है ना, डब्ल्यू डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल टू रो एफ वाई माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको मैंने नाम देते इक्वेशन नंबर 4। अब अपन गाइस, जैसे एक स्टोक्स की फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था, सेकंड प्रॉब्लम में किया था, सेक्शन इंजेक्शन में किया था, सेम वही जाहिर सी बात है, इस पर एक्शन बॉडी फोर्स जो वो काम नहीं करेगा, टू डायमेंशनल है इसलिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो एक्शनल बॉडी फोर्स है, वो क्या है, एब्सेंट है। तो यहां पर हमारा एफ एक्स और एफ वाई क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इस कंडीशन में हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमने प्रेशर के लिए काउंट की थी, यानी इक्वेशन नंबर 7 की यहां पे बात हो रही है। ओके, तो यहां पर हमें क्या मान मिलेगा, पी माइनस पी नोट। यहां पे एक चीज आप लिख दीजिए, स्टेडी फ्लो, जिसे अपन क्या बोलेंगे, एस टी डी वाई। ठीक है, ये क्या होगी, पी माइनस पी नोट अपॉन रो प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू जीरो। ओके, यहां पे अपन क्या करने वाले हैं, ये तो था रो, इस रो को इस साइड भेजेंगे। सो गाइस, इस कंडीशन में इनकम्पेरिजेबल फ्लूड के लिए जो भी समय होगा या फिर जो भी डेंसिटी होगी उसकी, वो क्या होगी, शून्य होगी। यानी कि हम यहां से क्या बोल सकते हैं, डेल डॉट अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो। यहां पे डॉट क्यों लिया है, क्योंकि इनकम्पेरिजेबल फ्लूड है, कंपेरिजेबल फ्लूड है, क्योंकि हमें सवाल में कंपेरिजेबल फ्लूड के बोला गया, तो यहां पर कंपेरिजेबल फ्लूड की बात हो रही है। तो कंपेरिजेबल फ्लूड के लिए यहां पर जो डेंसिटी होगी वो अलग अलग होगी। जैसे अपन यहां पर रो लेते थे ना, तो वो सिर्फ इनकम्पेरिजेबल फ्लूड के लिए लेते थे, मतलब एक सिंगल फ्लूड के लिए। अब दो की फ्लूड की बात हो जाए, तीन की बात हो जाए, चार की हो जाए, एनीवन है ना, काउंटिंग नंबर, तो वहां पर इसकी जो डेंसिटी है वो अलग अलग होगी, इसलिए यहां पर इसको खाली दिखाया गया।
अब गाइज अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, ये अपनी जो क्वेश्चन नंबर 7 थी, अपन इसका करने वाले हैं अवकलन। किसके सापेक्ष? अक्ष के सापेक्ष। यूजिंग इक्वेशन 7, डेल पी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस रो 2a² x अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल पी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का रो a² x। ओके, 2 से 2 ब्रेक हो जाएगा। हमने क्या क्या है क्वेश्चन 7 का, सिर्फ एक्स के सापेक्ष अवकलन किया है, सिंपल सा काम। ओके, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6 थी। यूजिंग इक्वेशन 6 क्या थी, यू बराबर एक्स एफ डैश वाई, और ये क्या थी, वी बराबर माइनस एफ डैश वाई। ओके, इसका भी क्या करेंगे अपन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एफ डैश वाई। इसका करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अवकलन करना ना इसका, जस्ट ए सेकेंड। इसका अपन अवकलन करने वाले थे, तो हमने इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो हमारे पास क्या आया, एफ डैश वाई आया। एक बार फिर से इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डैश स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन इसी इक्वेशन का वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एक्स डबल डैश वाई। अगेन करेंगे एक बार फिर से तब हमें क्या मिलेगा, अगेन करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एक्स ट्रिपल डैश वाई। सिर्फ वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, एक बार एक्स के सापेक्ष कर दिया 2 बार, और एक बार वाई के सापेक्ष कर दिया 2 बार, है ना। इसका अवकलन कर दिया तो हमें ये इक्वेशन यहाँ पे मिलने वाली है। अब देखिए गाइस, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको अपन ये दोनों जो मान है ये अपन इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे। ओके, हमारे इक्वेशन नंबर 8 जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी एक्स डायरेक्शन के लिए, उसमें पुट करते हैं। मैं कर देता हूँ इनको डायरेक्ट पुट। ओके, सो गाइस इनको अगर अपन मान को पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मान आते जाएंगे। ओके, प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या थी, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू थी अपने पास एक्स एफ डबल डैश वाई। उसके बाद डब्ल्यू के लिए कोई सेक्शन यहाँ पे नहीं था, उसका मान 0 इक्वल टू एक्शन बॉडी फोर्स 0 था तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को रखनी है डेल पी अपॉन डेल वाई, तो डेल पी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो ए स्क्वायर एक्स प्लस ये वैल्यू 0 और ये हो जाएगी म्यू इंटू सारे फंक्शन यहाँ पे इसका कोई वैल्यू है नहीं, अपने पास सिर्फ वैल्यू है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ट्रिपल डैश वाई। ओके, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर डेल यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये सभी के सभी मान अपन ने इक्वेशन नंबर 8 में पुट किए हैं और उसी हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। जब अपन इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा हल्का सा, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, रो एक्स, ये रो के अंदर मल्टीप्लाई। ओके, रो एक्स एफ डैश स्क्वायर माइनस रो एक्स एफ डबल डैश। गाइस फोकस हो जाना, एफ डैश एफ डबल डैश अभी सोधर होने वाली है, फिर इसको बिल्कुल ध्यान से देखना ना। देखो यहां से रो वापस ए स्क्वायर एक्स प्लस म्यू था, म्यू एक्स एफ ट्रिपल डैश वाई। यहां से देखना ये वाला जो रो था ना, इस रो को अगर मैं इस साइड लेके हूं, है ना, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। एक चीज और यहां पे फोकस, यहां पे मैंने देखो वाई हटा दिया, इसका वाई, इसका वाई और इसका वाई, तो इसका वाई भी हटा देते हैं ना, तो यहां से ये वाला जो रो है इसको मैं इसके नीचे लेके आऊंगा तो मेरे पास यहां से बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस म्यू अपॉन रो एक्स एफ ट्रिपल डैश। ओके, बट म्यू अपॉन रो की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर एक्स प्लस न्यू इंटू एक्स एफ ट्रिपल डैश। ओके भाई, ये वैल्यू होती है उसकी, किसकी, म्यू अपॉन रो की वैल्यू होती है ना। थोड़ा सा खेल इस साइड भी खेल लेते हैं ना, एल एच एस साइड पे। यहाँ पे मैंने क्या किया,
रो कॉमन आ सकता है, एक तो एक्स भी आ सकता है। आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है ना, बट यहाँ पे रो तो अपन इसके नीचे भेज ही दिया था ना, यहाँ से रो कॉमन लेंगे लाइक दैट। जैसे मैं आपको बताऊँ तो एक्स एफ डैश स्क्वायर माइनस एक्स एफ डैश एफ डबल डैश है ना, और यहाँ पे ये रो था। इस रो को जब मैंने इस साइड भेजा, इस रो को एल एस ए साइड में भेजा, तो यहाँ पे रो ऑलरेडी था, तो ये रो इसको ब्रेक कर देगा, तो यहाँ से तो ये रो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे ये रो आ गया। ओके, मतलब ये यहाँ से हट जाएगा। अब ये इसको इस साइड भेज दिया, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू बच रही है, एक्स एफ डैश स्क्वायर माइनस एक्स एफ डैश और एफ डबल डैश, इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ से भी मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो एफ डैश स्क्वायर माइनस एफ डैश एफ डबल डैश, ये डबल डैश है ना कि 11, और ए स्क्वायर एक्स प्लस न्यू एक्स एफ ट्रिपल डैश, राइट है। यहाँ से अगर एक्स कॉमन लिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस न्यू एफ ट्रिपल डैश, और यहाँ पे एक्स ऑलरेडी है, एफ डैश स्क्वायर माइनस एफ डैश और एफ डबल डैश, एक्स से एक्स कटेगा, क्या बचेगा, एफ डैश स्क्वायर माइनस एफ डैश एफ डबल डैश इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस न्यू एफ ट्रिपल डैश, यही बचाना। इसको सॉल्व करते हैं, तो अब देखिए गाइस, अब एक नया खेल खेलते हैं इसके साथ। गेम तो क्या खेलें, एक काम करते हैं इसको इस साइड ले आते हैं ना, एफ डैश स्क्वायर माइनस एफ डैश एफ डबल डैश माइनस ए स्क्वायर माइनस न्यू एफ ट्रिपल डैश इक्वल टू 0, और मैंने इसको नाम दे दिया, क्या नाम दें बताओ, कितने नंबर इक्वेशन थे अपने, 7 8 9, तो ये हो जाएगी 10 नंबर इक्वेशन। आई होप सो कि जितना मैंने अभी तक बताया वो आपको समझ आया होगा, हालांकि लास्ट में क्लास को सबमिट करने से पहले एक बार रिपीट कर दूंगा थोड़ा सा। ओके, अब गाइज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने सॉल्व कर लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन भी कर लिया, अब क्या कंडीशन बच गई, अब बच गई बाउंड्रीज लेना। जाहिर सी बात, हमने यही स्टार्टिंग से यही करते आ रहे हैं, पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए सॉल्व करते थे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे टू डायमेंशन के लिए, फिर उसमें जो बाउंड्रीज हमें दी हुई होती थी वो बाउंड्रीज इंप्लीमेंट करते थे, तो अब बारी आ गई है बाउंड्रीज की। ओके, सिंस द बाउंड्री कंडीशन, सिंस द बाउंड्री कंडीशन क्या थी भाई, y इक्वल टू 0 तब u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0, y इक्वल टू इंफानाइट तब u इक्वल टू कैपिटल u, ठीक है। तो इस कंडीशंस में हमने क्या किया, लेट f, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा ना, लेट f y इक्वल टू रूट a न्यू फाई नीटा, ओके, एंड नीटा इजिकल टू रूट ए अपॉन वी, ये रूट है ठीक है, इंटू वाई, इन दोनों को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 11, ये 10 नंबर थी इसको 11 नाम दे दिया। अब अपन इक्वेशन 11 का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन इक्वेशन 11 रेस्पेक्ट टू वाई, y के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, जैसे अपन इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ डैश वाई इक्वल टू रूट ए न्यू फाई डैश नीटा डी वाई वाई, सॉरी डी नीटा अपॉन डी वाई, ओके, एंड इस नीटा का करेंगे तो क्या आएगा, डी नीटा अपॉन डी वाई इक्वल टू रूट ए अपॉन न्यू, और वाई का एक हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया इक्वेशन नंबर 11 का। अब देखिए यहाँ पर डी नीटा अपॉन डी वाई आ गया, इस डी नीटा अपॉन डी वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, अपने पास आएगा एफ डैश वाई इक्वल टू रूट ए न्यू फाई डैश नीटा इंटू रूट ए अपॉन न्यू, ठीक है, ये रूट वाला निशान है। यहां से क्या करें, इसका सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा ए फाई डैश नीटा। अब ये कैसे आया,
ये इसके साथ है, रूट और रूट आपस में ब्रेक, समझ रहे हो ना। चलो मैं बता देता हूँ, इस रूट को इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर बन जाएगा, एक बन जाएगा, तो ऐसे एक बनेगा, तो यहाँ से बचेगा 5 - नीटा इंटू ए न्यू, ओके, अपॉन न्यू, ए न्यू और ए ये है और ये रूट के अंदर, तो न्यू से न्यू ब्रेक ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये 5 - नीटा ए स्क्वायर का रूट, अब ये जो ए स्क्वायर का रूट है इसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा और हमारे पास ए 5 - नीटा वैल्यू आ जाएगी किसकी, f - y की, ओके। अब अपन क्या करेंगे, इसका ये वाली जो कंडीशन है इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे, ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से अपने पास आएगा f" y इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट 5" d नीटा अपॉन डी वाई, फिर से डी नीटा अपॉन डी वाई की वैल्यू रखेंगे, तो f" y इक्वल टू ए 5" और डी नीटा अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या थी, रूट ए अपॉन न्यू थी, ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, हमने इक्वेशन नंबर, इक्वेशन छोड़ो, हमने इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया वाई के रेस्पेक्ट में, ओके, अगेन देखो 3 बार हो गया है ना, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट टू वाई, रेस्पेक्ट का मतलब के सापेक्ष, है ना। तो क्या आएगा, f" y इक्वल टू ए 5 का एक बार होगा तो ट्रिपल हो जाएगा और रूट ए अपॉन न्यू है और फिर से क्या हो जाएगा इसका, डी नीटा अपॉन डी वाई, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए 5" √a/n। डी नीटा अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या थी, रूट ए अपॉन न्यू थी। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ए 5" " और रूट के अंदर आएगी तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर का रूट, ओके, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी ए स्क्वायर अपॉन न्यू 5" (ssorry, "" ओके, ये डैश ना एक कंफ्यूज कर देगा ना, ए 5" (ssorry, "ssorry, 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 "ssor
ए स्क्वायर ये रूट को कैंसिल कर देगा, ओके, इसलिए डायरेक्ट कंडीशन आ रही है एफ ट्रिपल डैश वाई की, है ना, एफ ट्रिपल डैश वाई की। अब गाइज एफ डैश, एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 10 में रख देंगे और हमारा सॉल्यूशन जो हमें मिल जाने को। पुट एफ डैश, एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश इक्वेशन 10। क्या थी इक्वेशन नंबर 10 हमारी? ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 10। जस्ट ये अपनी इक्वेशन नंबर 10, यहाँ पे अपन एफ डैश की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर फिर एफ डैश की, यहाँ पे एफ डबल डैश की और यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू रखेंगे और इसको करेंगे फटाफट सॉल्व। ओके, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी और वही क्या होगा, हमारा हैमिश फॉलो होगा। ओके, तो आप मान रख लेना अपने लेवल पे, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ कि क्या सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि क्लास जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए एफ ट्रिपल डैश प्लस फाइव डैश फाइव डबल डैश माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, फाइव डैश स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, और हमें यह वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। और यही क्या है हमारे लिए, एक एडजेक्ट सॉल्यूशन है, एक एडजेक्ट सॉल्यूशन है सेग्नेशन पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर हमारी हैमिश फॉलो जो है क्या हो जाएगी, फॉलो हो जाएगी। इसके लिए मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, रेड्यूस टू बाउंड्री, ठीक है, रेड्यूस टू बाउंड्री कंडीशन।
वो क्या होंगी? जब नीटा इक्वल टू जीरो होगा उस टाइम पर फाई इक्वल टू जीरो होगा, और अगर फाई अगर जीरो हो जाएगा तो फाई डैश भी जीरो होगा। जब नीटा इक्वल टू अगेन जीरो होगा तो फाई इक्वल टू जीरो होगा, है ना, और फाई डबल डैश भी क्या होगा, जीरो होगा। और अगर वाई इक्वल टू इन्फानाइट होगा तब नीटा इक्वल टू भी क्या होगा, इन्फानाइट। और जैसे ही नीटा इन्फानाइट हो जाएगा उस कंडीशन में फाई डैश की वैल्यू वन हो जाएगी। ओके, दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर, क्या इक्वेशन नंबर नाम दें, ग्यारह, और ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर बारह, और इनको मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर पूरी को तेरह। देन इक्वेशन ट्वेल्व एंड इक्वेशन थर्टीन विल बी एडजस्ट सॉल्यूशन ऑफ स्टैग्नेशन पॉइंट। फोर हैमीज फॉलो, यहाँ पे हैमीज फॉलो की जगह आपको टू डायमेंशन फॉलो मिल सकता है, स्टैग्नेशन पॉइंट तो है ही है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास जो है समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता है, या फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बोला कि एफ वन एफ डैश एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू रख के पुट कर लेना और ये मान आएगा, अगर ये भी नहीं आ पाता है कारणवश किसी बच्चे से, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं इसका वीडियो जो इसकी जो क्लास है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सोल्व करके। ओके, सो आज के लिए थैंक यू सो आज के लिए इतना ही, आई थैंक यू सो मच, अगेन वी रिपीटेड फॉर। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ये आपसे शिकायत रहती है हमेशा कि व्यूज़ तो हो जाते हैं, देख तो लेते हो लेकिन लाइक करके नहीं निकलते हो, तो प्लीज़ कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं अपने इस चीज़ के लिए, है ना, तो प्लीज़ लाइक करें क्लास को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।